आनंद द्विवेदी जी, अध्यक्ष यायागंज गुरुद्वारा डॉक्टर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता सुन रहा था। वे दोनों कह रहे थे कि साहब हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, इन दोनों दलों से कि कौन सी उनकी विचारधारा है, कौन सी आखिर उनकी विचारधारा है। उन लोगों ने हमेशा देश के अंदर विभाजन की राजनीति की है। भारत के विभाजन का मामला रहा 1947 में, या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने कभी समाजित्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर बांटा। और आज जब उनके पास कोई आधार नहीं बचा, तो बहनों और भाइयों, अब इन्होंने भारत की आस्था पर भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों दलों का तो इतिहास ही इस बात के लिए कलंकित है। इन दोनों दलों ने जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, देश के अंदर एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही और 6 दशक के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान आज कांग्रेस के नेता देश की जनता के सामने ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने फलाने कार्य देश को किए हैं, बिना भेदभाव के इन्होंने ये कार्यक्रम चलाए हैं, और नहीं समाजवादी पार्टी को 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं वे इस बात का दावा कर सकते कि हमने विकास के कार्य कराए। बहनों भाइयों, जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद के हवाले देश को किया। जब इनको मौका मिला, देश के अंदर नक्सलवाद का व्यापक प्रसार हुआ। जब इनको अवसर प्राप्त हुआ, कोई राम को नकारता था और कोई राम भक्तों पर गोली चलाता था। ये पूरा चुनाव अगर सही मायने में आप देखें तो 4 चरणों के चुनाव, अब तक जिस प्रकार की लहर देश के अंदर है, ये चुनाव बोलता है पूरे देश के स्वर में एक साथ अपना स्वर मिलाकर के बोलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार 3 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय पार्टी एनडीए 400 पार की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। उससे पिछले विपक्ष और बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गया है। और जब भारत के अंदर जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है, तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे। एक भारत है जिसने कोरोना कालखंड में जो अपनी योजना चालू की, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की सुविधा, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरा पाकिस्तान है, 23 से 24 करोड़ की आबादी कैसे भूखों मर रही है। पिछले एक सप्ताह से वहां पर हो रहा उपद्रव इस बात का साक्षी है कि 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए सड़कों पर छीना छपटी हो रही है, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। ये पाकिस्तान को वहां के नेताओं ने कहां पहुंचा दिया, और उस पाकिस्तान का राह वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। कहते हैं कहते
कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? हरकतें करते थे, वकालत भी किसकी करते हैं? केवल एक लक्ष्य है कि मोदी जी ने भारत के हालात को बदला है 10 वर्ष में, करवाया है एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज पूरा भारत देख रहा है, जिस भारत ने 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है, नक्सलवाद और आतंकवाद पर नकेल कसी है, जिस भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य हो रहे हैं, नई नई ट्रेन चल रही है, चाहे वह अमृत भारत ट्रेन हो, चाहे वह नमो भारत ट्रेन हो, और चाहे वह ट्रेन की वह नई व्यवस्था जिसको आज आप वर्ल्ड क्लास रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आप कह सकते हैं कि हम भी दुनिया के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, एक्सप्रेसवे हो या मेट्रो, एम्स हो, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना हो, या फिर भारत के विकास के लिए तेजी के साथ उभरता हुआ भारत का शहरीकरण का एक नया ढांचा, केवल अब यूथ ही स्मार्ट नहीं होगा, सिटी भी स्मार्ट होगी। लखनऊ सिटी हमारी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर, 5 लाख रुपए की वह स्वास्थ्य का उपचार कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके कर सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि किसी ने आयुष्मान का कार्ड नहीं बनाया, बीमार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम कहते हैं कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व सांसद, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी या पीड़ित स्वयं भी हमें पत्र लिख देता है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार नहीं करा रहा है, तो हम उसको कहते हैं जनधन अकाउंट क्या है उसका, और जनधन अकाउंट का भेज करके मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूँ, जाओ उपचार कराओ, सरकार आपके पास साथ में। बहनों और भाइयों, ये 50 करोड़ लोगों को चंदन अकाउंट का सौगात किसने दिया? 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनाने का काम हो, या स्वस्थ ईंधन के रूप में 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, और किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा विशेष कोई प्राथमिकता दी गई नहीं, ये तो देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर एक कार्य हुए, और वो मंत्र था सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास, आज देश का मंत्र बन गया है। इस सब के बावजूद, इस सब के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि हमें सब विकास दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहनों और भाइयों, जिसके पास रोशनी है, जिसके पास आंखें हैं, वह तो देख सकता है, लेकिन आंखें होते हुए न देखने का जो ड्रॉ कर रहा है ना, उसको भगवान भी नहीं दिखा सकता है। मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं एक बार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, एक तो झूठ का पुलिंदा है, दूसरा इनका जो घोषणा पत्र है ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र का एक दस्तावेज है। कांग्रेस कहती है इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वह आएगी, एक झटके में गरीबी हटा देगी। राहुल गांधी से जब पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई कैसे आप एक झटके में हटाएंगे गरीबी, उसने कहा हटा देंगे, यानी जो नारा दादी देती थी 1970 में, आज 54 वर्ष के बाद भी पोता वही नारा लग रहा है, गरीबी हटा देंगे। वे चाहते हैं नहीं गरीबी सचमुच हटे। अरे मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं अपना आंकड़ा भी तो प्रस्तुत करो, 60 वर्ष में क्या किए, क्या देश का बेड़ा गर्क कर दे,
अब उन्होंने एक झटके बैठाएंगे, कैसे हटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, वेल्थ इमरजेंसी लागू करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी और कांग्रेस दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है इमरजेंसी। आपकी सर्वे, आपके बाप दादों की कमाई, और कांग्रेस कह रही है कि उस पर एक वरासत टैक्स लगाएंगे। औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है, और औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस करके वरासत टैक्स लगा करके आपकी संपत्ति को फिर ये बंदर बांट करने का काम करेंगे, बांट देंगे, दूसरे को दे देंगे। कांग्रेसी गुंडे, सपाई गुंडे उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ झूठ का भी एक सीमा होती है, एक सीमा होती है। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी पिछले 10 वर्ष से पहले देश के गृह मंत्री थे, आज देश के रक्षा मंत्री हैं। देश के अंदर संविधान का सम्मान करते हुए आपने देखा होगा नई संसद बनी, मोदी जी अपने सिर पर संसद में संविधान की प्रति लेकर के गए, और देश के नए संसद में उन्होंने पहले वहां पर देश की संसद भवन में सबसे पहला काम कुछ किया तो भारत के संविधान की प्रति, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हस्ताक्षर है, संविधान के निर्माताओं के हस्ताक्षर है, उन सभी प्रतियों उस प्रति को सबसे पहले संसद भवन में रखा गया। भारत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ का निर्माण तब किया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आज कांग्रेस क्या कहती है, झूठ बोलती है, कहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भाजपा आएगी, भाजपा आएगी तो ये क्या कहती है कि भाजपा संविधान बदल देगी। आप मुझे बताओ, अरे हम संविधान की शपथ खाते हैं, हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मजबूती दी और वह हक उन तक पहुंचाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रतिबद्धता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास इस मामले में कालिक से पुता हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए कांग्रेस की कमेटी कांग्रेस ने गठित, उसने कहा था अनुसूचित जाति, उसने कहा था पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ में से कुछ हिस्सा काट करके उसको दूसरों को दे दिया जाए। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर विरोध नहीं करती तो कांग्रेस सफल हो जाती। ऐसे ही फिर उन्होंने राजेंद्र सच्चर, दसवीं राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की, और उस कमेटी से रिपोर्ट क्या ली कि कुछ मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था देश के विभाजन का जो आधार बना हो वो हमें देश के अंदर फिर से नहीं होने देना। और जो लोग पहले पाप कर रहे थे वे लोग आज भाजपा के ऊपर आरोप बढ़ रहे हैं, आज आरोप बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके काले कारनामे, अपने कारनामों की चर्चा नहीं करते, केवल गुमराह करने का काम करते हैं। और इसीलिए जब जनता जनार्दन उनको सुनने को तैयार नहीं, अब केवल जाकर के कहीं भी जाते हैं, केवल प्रेस वार्ता करके फिर अगले स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। बैनर आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज मैं आया हूं आपके सामने, ये लखनऊ में आपका सौभाग्य है। सदैव अटल जी ने लखनऊ के बारे में जो सोचा था, लखनऊ के बारे में जो उनकी परिकल्पना थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 10 वर्ष के अंदर लखनऊ को वह सब कुछ देने का कार्य किया। आज लखनऊ में जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, लखनऊ एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुई है। लखनऊ के अंदर अगर आपको देखना है, आज मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना माननीय राजनाथ सिंह जी के कहने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में हम लोगों ने स्थापित की। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रहा है।
और उसमें सत्र भी प्रारंभ हो चुका है। आज लखनऊ में यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए मेट्रो भी संचालित है और फेज सेकंड के कार्य की भी स्वीकृति सरकार ने उसे अपनी दे दी है, जिससे आगे पूरे लखनऊ के अंदर इसका विस्तार होगा। लखनऊ के अंदर अब हम नाइट सफारी भी बना रहे हैं, कुकरेल के पास बेहतरीन नाइट सफारी पर्यटन के हब के रूप में लखनऊ को नया पहचान दिलाने वाला है। लखनऊ के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है। बहनों भाइयों, ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करते हुए